स्टार्ट करते हैं आज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। तो बात करते हैं सबसे पहले हम ट्रांसपेरेंट के बारे में। तो बेटा ट्रांसपेरेंट इफ एन ऑब्जेक्ट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट कम्प्लीटली इट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट बेटा वो होता है किसी ऑब्जेक्ट पे इजिली तरीके से लाइट पास करे तो वो होता है ट्रांसपेरेंट। फॉर एग्जाम्पल क्लियर ग्लास, आप वहां से टॉर्च लेते हो और लाइट वहां पे ग्लो करते हो तो देखोगे अदर साइड पे लाइट पास होगा क्लियरली तरीके से, तो वो होता है ट्रांसपेरेंट। एग्जाम्पल में आपका क्लियर ग्लास, एलिफेंट पेपर एक्सेट्रा। अब बात करते हैं ट्रांसलूसेंट की। इफ एन ऑब्जेक्ट अलाउ ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट पास थ्रू इट इज ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट बेटा वो होता है क्लियर तरीके से लाइट पास न करे बट ए स्मॉल अमाउंट में लाइट पास करे। फॉर एग्जाम्पल बटर पेपर, बटर पेपर पे आप लाइट पास करवाते हो टॉर्च लेके तो देखोगे जितना अच्छे तरीके से ट्रांसपेरेंट के केस में हुआ था उतना अच्छे तरीके से ट्रांसलूसेंट के केस में नहीं होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट पास होती है। तो ये हुआ आपका ट्रांसलूसेंट। अब बात करते हैं ओपेक की। एन ओपेक ऑब्जेक्ट डज नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू इट। और ओपेक में क्या होता है बेटा, आपका कोई भी ऑब्जेक्ट हुआ फॉर एग्जाम्पल ये बुक, ओपेक में क्या हो गया इस ऑब्जेक्ट पे अगर आप लाइट पास करवाते हो तो क्या वो अदर साइड लाइट पास होगी, नहीं होगी। ठीक है, तो ये हुआ आपका ओपेक। फॉर एग्जाम्पल आपका बुक हुआ, वुड हुआ, एनीथिंग लाइक वुडन टेबल हुआ, तो इसमें क्या होगा आपकी लाइट पास नहीं होगी। तो बच्चों ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक आप लोगों को समझ में आ गया।